हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के पेपर के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा एमए फर्स्ट ईयर का कोर्स फिफ्थ, जो आप लोग का फिफ्थ पेपर है, इसके बारे में है। फिफ्थ पेपर का आप लोग का नाम है बेसिक स्टैटिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सोशल रिसर्च। तो ये पेपर जो है ये सोशल रिसर्च के ऊपर है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक आए हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हमारा सामाजिक अनुसंधान क्या है, इसके प्रमुख चरण, उद्देश्य एवं उसकी विशेषताएं बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, हमारा सामाजिक शोध की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, इसके क्षेत्र एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। थर्ड क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान में जीवन इतिहास की भूमिका की व्याख्या कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी के महत्व की विवेचना कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दीजिए, समाज में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, सामाजिक शोध का क्या अर्थ है, सामाजिक शोध और सामाजिक सर्वेक्षण में अंतर बताइए। आप लोग सामाजिक शोध और सामाजिक अनुसंधान के बीच कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सामाजिक शोध और अनुसंधान सेम चीज होती है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होता है ना, तो आप उसका इंग्लिश जो ट्रांसलेट होता है वो देख लिया करिए, क्योंकि इंग्लिश वाला ट्रांसलेट जो होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। तो इंग्लिश में हमेशा, चाहे हिंदी में सामाजिक शोध हो चाहे अनुसंधान हो, इंग्लिश में सोशल रिसर्च ही लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्देशन क्या है, सामाजिक अनुसंधान में इसके गुण व दोष बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्देशन क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, माध्य क्या है, इसके विषय में संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो माध्य जो है वो आपका मीन कहलाता है। तो मीन में आपके जो है मीन, मीडियम, मोड, ये तीनों चीजें आप लोगों को पता होगी, ये स्टैटिक्स के अंतर्गत आती हैं। तो इन तीनों के बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इनके आपको जो फॉर्मूले दिए हैं वो भी याद होने चाहिए, और इनके बारे में कभी कभी थ्योरिटिकल वो क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये तीनों चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मीन, मीडियम, मोड को, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अभी तक जो आप लोग का रिसर्च वाला पेपर आता है उसमें स्टैटिक्स से एक मैथ का क्वेश्चन भी आता है। उस क्वेश्चन में आपको एक सारणी दी होती है, उसमें आपको या तो मीन निकालना होता है या मोड निकालना होता है या मीडियम निकालना होता है। ये तीनों चीज़ें आप लोग को निकालने के लिए दी होती हैं। तो सारणी में आपको जो मैं आपको क्वेश्चंस की पिक देख दूंगी, तो आप उसमें देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें लिखा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य की गणना कीजिए। तो मार्क्स ऑब्टेंड दिए हुए हैं, जो प्राप्तांक थे, जो बच्चों को मार्क्स मिले हैं, और स्टूडेंट ऑफ नंबर क्या थे, कि कितने बच्चों को कितने मार्क्स मिले हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप माध्य की गणना करेंगे, मीन की गणना करेंगे। तो इसमें मीन का जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला लगा करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी यही है कि निम्नलिखित तथ्यों में से मध्य का ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये मीडियन के बारे में है, इसमें भी वही दिया है, मार्क्स दिए हैं आपको और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इसमें भी जो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो आप लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपका मीन निकालने का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी तीनों चीज़ों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको रखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर जो है आपका वो निकल आएगा। तो मीन निकालने के लिए तो बहुत ईजी है, आपको जो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स के आपको टोटल करने हैं और देखने हैं कि नंबर्स कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 नंबर है। तो आपके टोटल ऑफ नंबर हो गए ऊपर के, और नंबर ऑफ जितने भी आपके ये दी हुई है या आप लोगों को नंबर्स दी हुई है, सीरीज जो नंबरों की दी हुई है, ये कितने हैं, 6 हैं टोटल। और इन्हीं
को आप टोटल कर लेंगे तो ऊपर जो है आपका टोटल नंबर आ जाएगा। आपको जब इन लोग को आप प्लस करेंगे 7 + 9 + 12 + 14 + 8 + 10, ठीक है, तो आप लोग का जो भी टोटल आएगा ये टोटल आप लोग का आएगा 60। तो 60 अपॉन ये कितने टोटल हैं आपके 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल 6 हैं। तो 60 अपॉन 6 करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा 10। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले लगा करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस है ना आपके, ये सारणी वाले जो क्वेश्चन दिए मीन मीडियम मोड वाले आपको ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है, तो इन क्वेश्चंस में क्या है कि मैथ में आप लोग को कभी भी कम नंबर नहीं मिलते हैं। मैथ सब्जेक्ट का जो एक प्लस पॉइंट होता है वो ये होता है कि अगर मैथ का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें अगर आपका क्वेश्चन ठीक है, फॉर्मूला आपने ठीक लगाया, उसको कैलकुलेट ठीक किया है, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपका पूरा ठीक होता है, जो ये मीन मीडियम और मोड वाले क्वेश्चन हैं, अगर ये पूरा क्वेश्चन आपका ठीक होता है तो एग्जामिनर आपको पूरे 20 में से 20 नंबर ही देगा। ठीक है, तो ये मीन मीडियम मोड वाले क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और इनको जरूर लगाइएगा। एक एक दो दो तरीके के जो भी आपके क्वेश्चन हैं ना उनको आप सॉल्व करके देखिएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप अगर इनको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा और आपको पूरे 20 में से 20 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप जरूर तैयार करिएगा, मीन मीडियम मोड वाले ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, और नहीं भी पूछे जाएंगे तो आपका जो है थ्योरी के क्वेश्चंस तो होंगे ही। आप सबसे पहले पेपर में क्वेश्चंस देख लीजिएगा और इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है और आप पूरा इसको सॉल्व कर देते हैं तो 20 नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर तैयार करिएगा ताकि आपके 20 में से 20 मार्क्स जो है इस क्वेश्चन में आपको मिल सके। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर की उपयोगिता बताइए। तो कंप्यूटर का भी एक पूरी यूनिट आप लोग की दी हुई है, इसमें आप लोग को जो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो आप लोग की यूनिट्स दी हुई है, इसमें यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च दी है। ठीक है, तो इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर, या कंप्यूटर की डेफिनेशंस भी पूछे जा सकते हैं, उसके पार्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि आखिर कंप्यूटर का क्या क्या यूजेस हैं सोशल रिसर्च में, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है। स्टैटिक्स में क्या क्या है, तो इस तरीके से कई तरीके से क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड आप लोग आ सकते हैं। ये यूनिट आप लोग की अभी नई है तो इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे मेरे पास, तो आप लोग ये यूनिट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा तो आप लोग के एग्जाम में आप लोग को आराम रहेगा। तो सामाजिक अनुसंधान में कंप्यूटर की उपयोगिता बताओ, एक ये क्वेश्चन जो है ये आया है पहले के पेपर्स में, तो ये मैंने आप लोग को बता दिया है। बाकी ये क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, सोशल रिसर्च के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग को इस पेपर के लिए, क्योंकि अनुसंधान से रिलेटेड ही क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। एक आप लोग का सामाजिक शोध जो है सोशल सर्वे, उसके बारे में भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो वो भी देख लीजिएगा कि सोशल सर्वे क्या होता है और उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, उनके बारे में भी आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। तो ये हमारे 5th आप लोग का जो पेपर है बेसिक स्टैटिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सोशल रिसर्च, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। अभी तो आप लोग की दोबारा से डेट शीट की कोई अपडेट नहीं है यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए और इंतज़ार कीजिए कि पेपर कब होते हैं।